भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने हम इंडियंस को इतना आलसी बना दिया है कि हमने थिएटर का मुंह देखना ही बंद कर दिया है। दिन का 1 GB डेटा खर्च करना भी हमारे लिए एक मेहनत का काम है। हमें धंधे में नुकसान का उतना दुख नहीं होता जितना डेटा नुकसान का हो जाता है। ये समस्या है, क्या बोलने का। इसी चक्कर में हमने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है और इस ठंड में तो वैसे ही रजाई नहीं छूटती है। ऐसे में कुछ लोग कुत्ते जैसी फिल्मों को थिएटर में रिलीज कर देते हैं। जब पब्लिक देखने नहीं जाती तो ये बोला जाता है कि हमें ही फिल्म समझ में नहीं आई। अच्छा तो यार हम थिएटर में IAS का पेपर देने थोड़े जाते हैं जो बैठ के वहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीधा सा एंटरटेनमेंट दो, नहीं तो OTT पर डाल दो, वहाँ तो गधे भी रेस जीत जाते हैं। वैसे उस पर हमने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक भी कहीं भटक रहा होगा, देख लेना। लेकिन इस टाइम थिएटर्स में 3 फिल्में एक साथ लगी हुई हैं, कुत्ते, लकड़बग्गा और भेड़िया। आदमी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि इनको देखने थिएटर जाए या चिड़ियाघर। अंत में थक हार कर वो यही सोचता है कि एक काम करते हैं, मस्त अदरक वाली चाय बनाते हैं, नेटफ्लिक्स या अमेज़न ऑन करते हैं और रजाई में बैठ के कोई नया तड़कता भड़कता माल देखते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। उसी आलस को कैश इन कराने के लिए एक नई वेब सीरीज आ रही है, नाम है फर्जी। ये कैसा नाम है? चुप साले गुंडे बदमाश। शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, KK मेनन, अमोल पालेकर जैसे एक्टर्स के साथ ये वेब सीरीज टैलेंट्स के मामले में तो वैसे ही जीत जाती है। मतलब अनन्या पांडे इंस्टीट्यूट ऑफ टैलेंट एंड PG डिप्लोमा से सर्टिफाइड ये ट्रेलर सच्चे मायनों में एक बड़ी स्टार कास्ट का यूनियन लगता है। It's my talent. The Family Man के डायरेक्टर्स राज एंड DK के अंडर बनी ये वेब सीरीज पहले एक फिल्म की तरह आने वाली थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने सोचा कि थिएटर में डालने से अच्छा है OTT पर डाल दो ना, कम से कम पब्लिक देखने तो आएगी। अब इसका ट्रेलर 2 लोगों के पैरेलल स्टोरी को लेकर चलता है। यहाँ एक तरफ है शाहिद कपूर, जिनको अपने सपने पूरे करने के लिए फर्जी नोट छापने की लत लग जाती है। उनके हिसाब से उनको इतना पैसा कमाना है कि उनको उसकी परवाह ही ना करनी पड़े। वो कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। ये बात तो यार मैं भी मानता हूँ। अभी मेरे हाथ में PlayStation 5 रख दो, देखो कितना खुश होता हूँ। कौन कहता है पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। ये लाल बहुत खराब चीज है। वही दूसरी तरफ है मक्कल सलवन, यानी हमारे विजय सेतुपति। ये आदमी अपने साथ स्वैग कैरी नहीं करता, ये आदमी ही स्वैग है। दूसरे हीरो जो काम करने के लिए 6-pack abs बनाते हैं, ये बंदा वो खाली अपनी स्क्रीन प्रेजेंस ही कर देता है। बस हाथ में एक माउजर और मुंह पर सिगरेट दे दो, राफेल से ज्यादा खतरनाक हथियार बन जाएगा। अब इस वेब सीरीज में वो एक ऐसे ऑफिसर के कैरेक्टर में है जो इस फर्जी नोटों का धंधा चलाने वालों को ढूंढने में लगे हैं। इसी बीच उनके काम करने के तरीकों को लेकर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के बीच में भगदड़ मची रहती है। वहीं से सीरीज की डार्क कॉमेडी भी निकल कर आती है। इन्हीं सबके बीच में अमोल पालेकर से लेकर KK मेनन तक स्क्रीन पर आते हैं। अब KK मेनन का देखो इसमें ऐसा है ना कि इनके होने से ही सीरीज के नंबर्स बढ़ जाते हैं। शौर्य मूवी देख लो, जो बंदा विलन होकर केवल एक मोनोलॉग से हीरो की लाइमलाइट खा जाता हो, उसका किसी भी प्रोजेक्ट में होना ऑब्वियसली उस चीज के लिए हमें एक्साइटेड कर देता है। एक नजर में देखे तो इस वेब सीरीज का नाम फर्जी सिर्फ नकली नोटों के लिए ही नहीं किया गया है, बल्कि इसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो उस थीम को जस्टिफाई कर रहे हो। बोले तो एकदम विद्या रानी की कसम खाकर तो नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस नकली नोट के नेक्सस में कई सारे सिस्टम के लोग भी जुड़े हुए होंगे, जिनसे लड़ते हुए विजय सेतुपति और शाहिद का बढ़िया क्लैश देखने को मिलेगा। इसमें एक डायलॉग भी है कि हम सबके अंदर एक चोर है, सब चांस के लिए वेट करता है। सबके अंदर चोर है, सिर्फ चांस के लिए वेट करता है। बढ़िया डायलॉग है भाई। शाहिद को इससे पहले हमने बदमाश कंपनी में ऑलरेडी ऐसे रोल करते हुए देखा हुआ है और वो इन सारे रोल को बहुत बढ़िया से करते हैं। वैसे ये पहली बार है जब शाहिद कपूर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। अच्छा वैसे इससे पहले उनकी फिल्में ही OTT पर आया करती थी, अब वो भी आ गए हैं। बढ़िया है। सब मिलाकर कहानी ये है कि मेरे को तो इसका ट्रेलर बढ़िया लगा। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट राज एंड DK का होगा और इसमें ऑलरेडी इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, तो हमें एक बढ़िया सीरीज देखने को मिल सकती है। 10 फरवरी को आ रही तो ज्यादा दूर भी नहीं है, Amazon Prime पर आएगी। सब्सक्रिप्शन हो तो देख लेना, और अगर ना हो तो एक जगह बताता हूँ, टेलीग्राम पर चले जाना हमारा चैनल फॉलो करने के लिए, वहाँ भी हम इसका रिव्यू डाल देंगे, देख लेना। बाकी चालाक तो तुम लोग हैये हो, क्या ही बताएं। गजब टूबी बाज आदमी। वैसे आप किस साइड होंगे, विजय सेतुपति या शाहिद कपूर, नीचे कॉमेंट्स में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बाबू जी, और ये भी बता देना की अगली वीडियो हम किस पर बनाए। बाकी मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, जय हिंद।